ये हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के किसान देवशरण पटेल। नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पर किसान बाजार से कीटनाशक खरीद कर लाते हैं, लेकिन पटेल ने इसे प्राकृतिक तरीके से बिना किसी लागत के बनाना सीखा है। पटेल के खेतों में डाली जाने वाली खाद भी प्राकृतिक तरीके से बनती है। पहले हम अपना घरू देसी बीज बोते रहे, घरू देसी हल से जुताई करते रहे, तो उतनी खेती नहीं कर पाते रहे, ना उतना जुताई कर पाते रहे खेत में, तो उपज नहीं होती रही। हमको कृषि विभाग द्वारा जानकारी मिली कि आप अच्छे बीज बोइए, तो कृषि विभाग द्वारा अच्छे बीज हमको प्रदान हुआ, तो उपज हमारी 5-7 गुना अपने बीज से ज़्यादा मिली। और खेती करने के तकनीक भी जानकारी मिली, जैसे बेड द्वारा राहर तैयार करना, बेड द्वारा टमाटर तैयार करना, लाइन से हमको मसूर चना गेहूं बोने की जानकारी दी गई, उस तरह हम कार्यक्रम किए, तो हमारा उत्पादन पहले से पुरातन से आज के अनुसार हमारा 7-8 गुना ज़्यादा हो गया। क्लाइमेट के तहत हमको एक बंधा बनवाए, तालाब जिसको बोलते हैं, छोटी तालाब, उसमें हमने पानी बरसात का स्टॉक कर लिया। पानी स्टॉक करने के बाद जब हमारी खरीफ के लिए तो वर्षा आधारित थे भगवान के ऊपर के पानी से, अब उस पानी को प्राकृतिक से कृत्रिम विधि द्वारा हम डीप के सहारा पानी रवि के मौसम में देते हैं, तो हमको बढ़िया फायदा है। इल्ली से बचने के लिए हम लहसुन मिर्चा और तंबाकू इसको गौमूत्र में डालकर 10-12 दिन सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद उसको छान कर एक 15 लीटर के पंप में 1/10 हिस्सा ये दवाई मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो हमारा इल्ली खत्म हो जाती है। खेती में ये बदलाव 5 साल पहले शुरू हुई क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना की वजह से आ रहे हैं। पटेल के साथ इस इलाके के दूसरे किसान भी रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। इसी जिले के रामशरण यादव ने बीते कुछ वर्षों से घर में ही खाद और कीटनाशक बनाना शुरू किया है। शुरुआत में उपज में कुछ कमी आई, लेकिन अब उन्हें फायदा हो रहा है। मैंने जैविक खेती कर रहा हूँ, ये क्लाइमेट ने मुझे से मिली है। आज उससे मुझे थोड़ा तो नुकसान शुरू में हुआ है, पर आज लगभग मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, उसमें मेरे को अब बराबर की मात्रा में जितना रासायनिक खाद में होता था उतना आज उर्वरक देने से हो रहा है। और रासायनिक खाद में हमारी ज़मीन खड़ी हो जाती थी, आज भी वो जहाँ बंजर भूमि बन जाती है, और जैविक खाद में ऐसा नहीं होता, वो एकदम ज़मीन जैसे कोई भी फसल लगाएं उसमें एकदम अच्छी आती है। खर्चे में बिल्कुल जीरो में हम आ गए हैं, इसलिए कि सब कुछ हम ही तैयार कर लेते हैं, कोई हमको बाहर से मार्केट से नहीं लाना पड़ता। सतना के इस इलाके के किसान जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी उपज को बरकरार रखने के लिए खेती का तरीका बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिलों राजगढ़, सतना और सीहोर में परियोजना के तहत 60 गांवों में यह प्रयोग हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं वो शहरों तक ही सीमित नहीं बल्कि गाँव में भी हैं, और खेती किसानी पर जो क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उन दुष्प्रभावों से कैसे हम उसको अडाप्ट कर सकें, अनुकूल बना सकें, ताकि खेती किसानी पर क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव कम से कम हो। तो ये उद्देश्य के साथ में हमने एक परियोजना, पायलट परियोजना, भारत सरकार का जो नेशनल अडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है उसके अंतर्गत हमने एक परियोजना प्रस्ताव बनाया, और वो परियोजना प्रस्ताव जब स्वीकृत हुआ तो मध्य प्रदेश के 3 ज़िलों में सतना और राजगढ़ और सीहोर, ये 3 ज़िले जो कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पे मॉडरेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे अध्ययन में पाए गए हैं, इन 3 ज़िलों में ये परियोजना 20-20 गांव में पायलट मोड पर लॉन्च की गई।
हमारी परियोजना के अंतर्गत हम किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो उनकी जो खेती किसानी की जो पद्धति है उससे एक तो कार्बन उत्सर्जन कम हो, दूसरा हम उनको ये भी बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी खेती किसानी को जलवायु परिवर्तन के प्रति अडाप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रजाति के बीज हैं जो कि सूखा सहनशील हैं या बाढ़ सहनशील हैं, इस प्रकार के जो बीज हैं जो कि उन्नत भी हैं, इन बीजों का प्रचार प्रसार किसानों के बीच में और इन बीजों का विकास जो है कृषि विश्वविद्यालयों में हुआ है उनके मार्फत से कृषि विभाग के माध्यम से इन बीजों का हम वितरण कर रहे हैं ताकि किसान अगर मौसम की मार होती है, अगर पानी नहीं गिरता है या ज़्यादा गिर जाता है तो वो अपनी फसल को बचा सकें। कई बार आवश्यकता से अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन अगर ज़्यादा होगी तो या तो वो पानी में नाइट्रेट के रूप में चला जाएगा या फिर हवा में नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में आ जाएगा और आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 300 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है। ऐसी स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों को इस बात के लिए जागृत करें कि वो अपनी खेती किसानी से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को यथासंभव कम करें और अनुकूलन के लिए तैयार रहें कि बहुत सारी दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य जो सेक्टर है, मुख्य स्रोत है, वो है ऊर्जा से। ऊर्जा आधारित जो उत्सर्जन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो उत्सर्जन का कारण है वो है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक। और मध्य प्रदेश में भी लगभग 16-17% उत्सर्जन एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक से हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का। प्राकृतिक तरीके से की जा रही खेती से न सिर्फ फसल की गुणवत्ता बढ़ रही है बल्कि मिट्टी की सेहत भी ठीक हो रही है। इस दावे की पुष्टि के लिए सतना से 450 किलोमीटर दूर भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के लैब में मिट्टी को जांच के लिए भेजा गया। जांच में आए नतीजे बताते हैं कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हुई है। जो जो भी जो क्लाइमेट स्मार्ट इंटरवेंशंस लिए इन गांव में, तो जो राजगढ़, सीहोर और सतना में, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि सॉइल का जो उपजाऊपन है वो बढ़े और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले और उसके साथ ही जो जलवायु परिवर्तन में जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो रही है वो कम हो। तो हम लोग कुछ बहुत हद तक इसमें सक्सेसफुल हुए हैं और फार्मर्स ने, हम लोगों ने जब वहाँ पे गांव में गए और फार्मर्स को जब हम लोगों ने जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ दी, जब हम लोगों ने उनको बोला कि खेत में आप अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको जलाएं ना, उनको उनको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया कि आप लोग रेसिड्यूज को बर्न ना करें, उनको वहीं पे इनकॉर्पोरेट करें और उसको खेत में ही डालें, ऐसे हर एक गांव का तो एक जैसा रेस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसकी मिट्टी अलग अलग है, हर एक गांव की टोपोग्राफी अलग है, ढलान अलग है और उसका क्लाइमेट भी अलग है, लेकिन अगर उसका रेंज देखा जाए तो 5-15% जो है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से यह वातावरण में अधिक कार्बन को अवशोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। एक्चुअली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है, कार्बन कैप्चर है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड है हमेशा और हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो 300 ppm था पहले, अभी बढ़ के वो 400 ppm हो गई है। तो ये वहाँ से ये जो 300 से 400 ppm बढ़ी है, ये जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गई है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे?
तो एग्रीकल्चरल सॉइल्स में, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा योगदान है हमारा प्लांट्स का, ट्रीज का। ये जो अपना जो फोटोसिंथेसिस, मतलब जो अपना खाना बनाते हैं, उस दौरान उन लोग जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको कैप्चर करके रखते हैं। तो सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपका 10 और 20 साल लॉन्ग टर्म में आपका जो कार्बन जो सॉइल में है वो बढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं कि तब जाके हम बोलते हैं कि आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ, नहीं तो आपका जो एक साल में जो चेंज आया, हो सकता है कि आपने नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा मैनेजमेंट कर लिया, उससे आपका कार्बन कम हो गया, तो वो सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कहलाता है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो कार्बन चेंज हुआ वो पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए, वो बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में खेती किसानी में किए गए प्रयोग किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेंगे। हालांकि देवशरण पटेल जैसे कई किसानों को लगता है कि इस प्रयोग को आगे भी चलाने की जरूरत है ताकि उन्हें खेती के नए तौर तरीकों के बारे में आगे भी पता चल सके।